गड़िया बदौल से क्या समस्या लेकर आए? समस्या बहुत सारी समस्या किसानों में, MSP और भी समस्याएं, लाइट बिल ज्यादा आते हैं जो बिजली के बदौलते। आप कहाँ से आए सर? गड़िया बदौल। दादा आप कहाँ से? हम तो कन्नौज से आए हैं। कन्नौज से? जी हाँ। क्या समस्या लेकर आए हैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आपके सामने? हम किसानों की समस्या जो खाद बीज पानी बिजली की समस्या किसानों की सबसे बड़ी है। सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि बिजली फ्री की जाएगी, लेकिन किसानों के ट्यूबवेलों में मीटर लगा दिए गए हैं। जो शोषण किया जा रहा है मीटरों से, किसान का 10 यूनिट बिजली आती है, लेकिन जो उसका बिल निकालने आता है वो डबल निकालता है। किसान परेशान है और फांसी लगाने की कगार खड़ा हुआ है। कहाँ से आए? बनाली से। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की लोकल की? समस्याएं तो क्या है, सिर्फ चौपट है ये लला। चौपट है बिल्कुल, सभी समस्या है। आलू मत दो, गेहूँ मत दे, धान मत दो, मका मत। अन्ना मवेशी तो नहीं है इधर? अन्ना मवेशी तो एक दिन सेवा बाजरा खाएगा, सिर्फ बाजरा खाएगा, शिवरात्रि खानु पड़ता है। अम्मा कहाँ से आई है? जयपुर से। क्या क्या समस्याएं लेकर आई है? ए, समस्या तो मेरी है लला। कैसे? हर बात को कोई परेशानी, किसान की हर चीज मत दी, किसान की मत दी। कहाँ से आई है? क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या आपको नहीं पता सर, समस्या ही समस्या है। अपना समस्या क्या है? क्या सब समस्या है? पानी, बिजली, सरकार, आतंकवादी, सब कुछ सब सरकारी। आतंकवाद तो खत्म हो गया, बिल्डोजर चल रहा है। कहाँ बिल्डोजर? बिल्डोजर उनके ऊपर चल रहा है, जो उनके खास आदमी जो गरीब है उनके ऊपर। महिलाएं आप देख सकते हैं, महिलाएं काफी संख्या में महिलाएं भी यहां पर आई हुई हैं राकेश स्पीकर को सुनने के लिए। जो है लगातार आप लोगों से हम बात करनी। कहां से आए सर? कहां से आए? कन्नौज जिला उपाध्यक्ष जीतू यादव। इधर आपके कन्नौज से लेकर मैनपुरी तक क्या क्या समस्याएं बनी हुई किसानों के लिए? सबसे बड़ी समस्या जो किसानों की है वो बिजली की है, पानी की है, खाद की है, अन्य फसलों की है। कई ऐसी समस्याएं हैं जो ये आज की नाकारा सरकार नहीं सुन रही है, जिसके लिए आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी आए हैं और हम लोग कन्नौज से सैकड़ों की तादाद में आए हैं। आप कहाँ से आए? जिला मैनपुरी तक। हमारे कनेक्शन हुए यहाँ है और तुम हमारे कटिया चोरी में लिखाए दो। कनेक्शन है इनका, तब भी इनका कटिया जो है वो चोरी पर लिखाया गया बता रहे हैं। काफी किसान अपने ठीक पीछे देख सकते हैं, हजारों की संख्या में किसान यहाँ पे मौजूद हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए आए हैं। लगभग 30 डिग्री टेम्परेचर में अपने आसमान की तरफ दिखाइए किस तरीके से किसान अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो है सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। काफी देर से, काफी जिलों से लेकर लगभग कन्नौज, फरुखाबाद, आसपास के जितने भी जिले हैं वहाँ से जो है किसान चलकर आए हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए। चलिए कुछ किसानों से और हम बात करेंगे। दादा कहाँ से आए हैं आप? करण से। क्या क्या समस्याएं बनी हुई है यहाँ पे? परेशानी है आपका? परेशानी है। क्या परेशानी है? बिजली चलानी है, एक बात की परेशानी है, खाने पीने। क्या 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 बता रहे दादा? क्या बता रहे? बिजली जो गाय की फर्श है किसानों को है, सबको। हाँ पशु, यहाँ सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर है पशु, बिजली नहीं मिल रही हम लोगों को। किसानों की सबसे बड़ी बता रहे हैं कि अन्ना मवेशी हुए, बिजली हुई, अन्ना मवेशी और बिजली को लेकर यहाँ पर देखिए अपने स्क्रीन पर किस तरीके से हजारों की संख्या में इतनी धूम में, कड़ी धूम में बैठे हैं किसान। थोड़ा अंदर और चलेंगे और पूछेंगे कि क्या समस्याएं बनी हुई है। फरुखाबाद से आया अरुण सिंह राठौर, कस्बापुर, सातापुर। हमारे यहाँ चकबंदी प्रक्रिया बहुत तेज चल रही है, जहाँ पर ना भी नले नाले हैं वहाँ पर कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग 1-2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, आज के हिसाब से आए हैं अपनी बात कहने के लिए। हमारे किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे खाद बीज, हमारा पशु, आलू का बढ़ते हुए रेट को जो सरकार ने कम किया, कोल्डो वालों ने अभी तक उसको डाउन नहीं किया है। ऐसी हमारे किसानों की बहुत सारी समस्या है, कहीं पैमाई समस्या है, कहीं खाद की समस्या है, कहीं खेत की मिट्टी के नाली सिंचाई समस्या है, रजवा बंबों में पानी नहीं आता है। ऐसी हमारी किसानों की हजारों समस्या है। आज उसी समस्या को लेकर के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हम सबके साथ ही हम लोगों के कहने आए, निर्देश देने आए
कि अगर हम लोगों की समस्या निदान नहीं होती तो हम सब लोग जिले में जा जा करके तहसीलदार ब्लॉक जाएंगे, अधिकारियों को धरना देंगे। करा रही है अपने ठीक पीछे देख सकते हैं, समस्याएं बता रहे हैं, जमीन से संबंधित समस्या, भ्रष्टाचार से संबंधित समस्या, बिजली समस्या, अन्य मवेशी समस्या, महंगाई समस्या, समस्याएं इतनी किसान बता रहे हैं कि सुनने के लिए आपको वीडियो छोटी पड़ जाएगी। हमारे इस मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हम पूछेंगे किसानों से कहां जाए हुए। हाँ भाई, हम लोग तो बहुत परेशान है, बाढ़ आ गई है और सारे मकान घाट डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में गिर पड़े हैं। बाढ़ आई है? बाढ़? यस। कोई प्रशासनिक मदद नहीं पहुंची है? मदद कोई नहीं, कोई मदद नहीं हमारे पास, मदद नहीं आई है, मदद नहीं पहुंची है। अपने ठीक किसान उठ रहे हैं, संबंधित समय है, थोड़ी देर के बाद राष्ट्रीय किसान योजना का किसानों को संबोधित करेंगे, तो बने रहिएगा।